राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता पूनम यादव ने वाराणसी में हमला किया। अतिरिक्त पुलिस बल को यादव को सुरक्षित करने के लिए भेजा गया था और पुलिस ने कहा कि हमले के पीछे के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारोत्तोलक पूनम यादव ने शनिवार को अज्ञात हमलावरों द्वारा ईंटों और पत्थरों पर हमला किया था जब वह एक रिश्तेदार से मुलाकात कर रहे थे, पुलिस ने कहा। जब उसके पिता, चाचा और चचेरे भाई ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया। भारी पत्थर पेलिंग और हंगामा के बीच पुलिस दल उसे सुरक्षित करने में कामयाब रहा और उसे हाथापाई से बाहर ले गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित कुमार ने कहा कि जैसे ही इस घटना की खबर उन पर पहुंच गई, अतिरिक्त पुलिस बल को यादव को सुरक्षित करने के लिए भेजा गया और कहा कि हमले के पीछे के लोगों को बख्शा नहीं दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक हमला मिस यादव और पड़ोसी गांव के एक रिश्तेदार के बीच पुराने जमीन के विवाद से निकले थे। जब यादव ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तब भी उन पर हमला किया गया था, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की स्वसेवा को मिलाया और भागने में कामयाब रहा। यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है कि शत्रुताओं की कोई वृद्धि नहीं हुई है। पूनम यादव ने भारत के लिए 69 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में 100 किलोग्राम उठकर और 122 किलोग्राम स्वच और झटका में स्वर्ण पदक जीता।